तो हेलो दोस्तों, आज किस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स, यदि आपके गूगल एडसेंस में भी एक्शन बटन शो हो रहा है, यानी कि एक्शन बटन आ चुका है, आपके $10 कंप्लीट हो चुके हैं। एंड दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि $10 शो नहीं होते हैं लेकिन कंप्लीट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गूगल एडसेंस में शो नहीं होंगे लेकिन आपके यूट्यूब स्टूडियो पर, यानी कि यूट्यूब अकाउंट पर जो है आपके $10 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, $10 कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपका होता क्या कि एक्शन बटन आ जाती है, वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों, एक्शन बटन हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, एक्शन बटन के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं अपने आप को कि जो एडसेंस रन कर रहा है तो वो हम ही हैं, मतलब कि हमारा एडसेंस हम ही रन कर रहे हैं, कोई और रन नहीं कर रहा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एडसेंस को वेरीफाई कैसे करते हैं यदि आपके गूगल एडसेंस पर भी एक्शन बटन आ चुकी है, एक्शन बटन शो हो रहा है। ओके तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के। गूगल एडसेंस में एक्शन बटन को वेरीफाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर के मैं डायरेक्टली गूगल एडसेंस पर एंटर कर जाता हूँ। यदि आपसे गूगल एडसेंस में एंटर करते नहीं आता है तो दोस्तों, उसका वीडियो आई बटन पर मिल जाएगा आपको, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वहाँ से वीडियो को देख करके अपने गूगल एडसेंस में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अब चलता हूँ सीधे गूगल एडसेंस में और वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर आपको अपना एडसेंस अकाउंट एक्शन बटन के थ्रू कैसे वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। एंड दोस्तों, मैं डायरेक्टली जाता हूँ अपने गूगल एडसेंस में। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पता नहीं है गूगल एडसेंस में एंटर करते, यानी गूगल एडसेंस में जाते, तो दोस्तों वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। ओके तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड अपने गूगल एडसेंस में जा सकते हैं। गूगल एडसेंस में आने के बाद सबसे पहले आपको इसे डेस्कटॉप साइट पर खोलना है। ओके तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर खोल लेता हूँ। एक्शन बटन पर क्लिक करना है। एंड एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है वेरीफाई का ऑप्शन। ओके तो यहाँ एक सेकेंड हम वेट करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं जो ये वेरीफाई का ऑप्शन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। तो जो ये वेरीफाई का ऑप्शन है, इस वेरीफाई नाउ पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है। ओके तो चलिए, मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। ओके तो दोस्तों, यहाँ पर आपको गलती से भी आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। बाकी आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लगा सकते हैं। ओके और इंडियन पासपोर्ट भी होता है। तो दोस्तों, चार चीज़ों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको गलती से भी आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो दोस्तों आप पैन कार्ड से ही वेरीफाई कर लें, क्योंकि दोस्तों यदि आप पैन कार्ड से वेरीफाई कर लेते हैं अभी, तो दोस्तों आपको जो टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी अपलोड करना होता है तो वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड बना ही होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके तो यहाँ से आप दो काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने जो है वोटर आई डी से वेरीफाई किया था, जबकि मुझे पता नहीं था, लेकिन अब दोस्तों मुझे बात का नॉलेज हो चुका है तो मुझे अभी दोबारा से इसे पैन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ा। ओके तो आप ऐसी गलती ना करें। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप डायरेक्ट पैन कार्ड को ही अपलोड करके यहाँ पर एक्शन बटन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली अब आपको करना क्या है, जो अपलोड की बटन शो हो रही है तो आपको यहाँ पर अपलोड पर ओके करना है। और दोस्तों, आपको अपने वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड किसी की भी फ़ोटो यहाँ से फाइल में जा करके अपलोड करना है। और ख़ास बात दोस्तों, यदि जैसे कि आपका पैन कार्ड होगा या फिर वोटर आईडी होगी तो उस पर दो साइड होते हैं, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरने के लिए, यानी कि वेरीफाई करने के लिए केवल एक साइड ही पर्याप्त है, आपको दोनों साइड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके तो दोस्तों, आप केवल एक साइड ही डालें, मैंने भी एक साइड डाला, सभी को एक साइड ही डालता है। ओके एक साइड की फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर यहाँ जो आपको सबमिट बटन दिख रही है तो आपको इस पर सबमिट कर देना है। दोस्तों, जो पेज ओपन होता है तो गॉटेट वाला, तो आपको यहाँ पर गॉटेट कर देना है, ओके कर देना है। ओके दोस्तों, गॉटेट करने के बाद आपका गूगल एडसेंस का जो आईडी प्रूफ आपने दिया है तो जब वेरीफाई हो जाएगा दो चार मिनट के बाद। दोस्तों, मेरा तो दो मिनट में ही वेरीफाई हो गया था। तो आपको यदि टाइम लगता है, मान के चलिए कि 5 मिनट 10 मिनट या फिर एक दिन दो दिन, ओके तो आपको मेल के थ्रू ये बता देते हैं कि आपका जो गूगल एडसेंस में आईडी प्रूफ था वो वेरीफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जब आपका गूगल एडसेंस आईडी प्रूफ से वेरीफाई हो जाता है तो आप यहां पर ऊपर देख पाएंगे कि यहां पर एक्शन बटन अब गायब हो चुके हैं, अब नहीं है। ओके एंड दोस्तों, यदि आपने पैन कार्ड से वेरीफाई नहीं किया है तो आपको यहां पर
जो ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको एक बार टैक्स इन्फॉर्मेशन भी फिल करना पड़ेगा। तो यदि आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करके नहीं आता दोस्तों, कमेंट में लिखिए तो मैं आपको एक नया वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं एंड दोस्तों आपको तरीका नहीं पता कि आप कैसे मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके, तो फ्रेंड्स आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं। एंड यदि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो आपको फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी, तो फेसबुक पेज से भी आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और यदि आप फेसबुक पेज भी नहीं चलाते हैं तो दोस्तों मैं ट्विटर की भी लिंक मिल जाएगी यदि आप ट्विटर चलाते हैं। एंड दोस्तों, यदि आप ट्विटर भी नहीं चलाते हैं तो उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, सभी के हेल्प मैं तुरंत ही कर देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।